वेजिटेबल कोल्हापुरी बनाने के लिए हमें चाहिए बॉयल्ड वेजिटेबल्स। यहाँ पर मैंने एक पोटैटो बॉईल करके काट लिया था, पोटैटो यानी आलू। गोभी मैंने दो बड़े फूल ले लिए थे एक गोभी में से तोड़ के, और इसको इतना छोटा छोटा देखिए काट के और बॉईल कर लिया है। ये टूट गए हैं पीसेस, पर ये इतने बड़े बड़े पीसेस थे। उसके बाद एक छोटी सी गाजर काट के बॉईल करी है। बीन्स हैं 4 से 5 काट के बॉईल किए हुए। 1/4 कप मटर है। तो ये हमारी हो गई वेजिटेबल्स। एक उसके अलावा बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ है, एक बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ है, नारियल है हमारे पास 1/4 कप, खड़े मसालों में हमारे पास है 1/2 चम्मच काली मिर्च, 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1/2 चम्मच तिल, 1/2 टेबल स्पून धनिया मसालों में, बाकी पाउडर मसालों में यहाँ पर है 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और नमक स्वाद अनुसार। तेल हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून हमने ऑलरेडी गरम करना रख दिया है और उसमें हम ये खड़े मसाले डाल रहे हैं और इनको भून लेंगे। पहले मसालों की खुशबू खुलने तक हमें इन्हें भूनना है। और एक बार इनकी खुशबू खुलने लगेगी तो इसी में हम नारियल भी डाल देंगे। मसालों की खुशबू आने लगी तो अब हम इसमें डाल देंगे नारियल। नारियल को बहुत ज्यादा नहीं पकाना, हल्का सा पकाना है। एक से 1.5 मिनट। तो आप एक्चुअली एक तरह से घाटी मसाला इंस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं इसके लिए। इसमें 1 इंच का स्टिक दालचीनी का भी डालना था, मैंने वो अभी डाल दिया है। सेक बिल्कुल कम है। और अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा करके और इसको 1/4 कप जितना पानी के साथ पीस के इसकी पेस्ट बना लेंगे, जैसे चटनी होती है वैसे। मसाला पीस के हमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट भी चाहिए था तो मैंने वो भी निकाल लिया है। और मैंने यहाँ सेम पैन में ही 1 टेबलस्पून जितना ऑयल फिर से हीट करना रख दिया है। तो इस ऑयल में सबसे पहले मैं डाल दूंगी जीरा, और जीरा तड़कने के बाद हम इसमें डालेंगे अनियन यानी कि प्याज। जीरा तड़क गया और अब हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज। अनियन हो गए तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ टमेटो। ढक के पकाएंगे फिर से। टमाटर सॉफ्ट होने लगे तो अब मैं इनमें सारे मसाले डाल रही हूँ। टर्मरिक पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक और कश्मीरी लाल मिर्च। और अब ऑयल सेपरेट होने की वेट करेंगे। एक बारी ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम जो मसाला हमने अभी प्रिपेयर किया था खड़े मसालों से वो मसाला डालेंगे। देखिए हमने ऑयल कम डाला है तो इसलिए बहुत ज़्यादा सेपरेट तो नहीं होगा, लेकिन आप देख सकते हैं ये बहुत ऑयली ऑयली सा लगने लगा है। तो अब हम ये पेस्ट डाल रहे हैं अपनी, और साथ में थोड़ा सा इसमें डालेंगे पानी ताकि ये सारी पेस्ट निकल जाए। अब इसको ऑयल सेपरेट होने तक फिर से भुनेंगे,
फिर डालेंगे सब्जियां, थोड़ा सा सब्जियों को पकाकर हल्की सी ग्रेवी करेंगे। एक्चुअली इसमें बहुत हल्की ग्रेवी होती है, लटपटी सी होती है ये, तो हम भी इसकी हल्की सी ग्रेवी करेंगे। और एक बात आपको और बता दें, रेस्टोरेंट्स वगैरह में ज़्यादातर पनीर डाल देते हैं, बट वेजिटेबल कोल्हापुरी में पनीर नहीं डलता तो हम नहीं डाल रहे, लेकिन हाँ अगर आप डालना चाहें तो आप पनीर भी डाल सकते हैं जब आप सब्जियां डालेंगे तब। ऑयल देख सकते हैं आप सेपरेट हो गया है, मैं इसमें डाल रही हूँ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स को 2-3 मिनट भूनेंगे इसमें कम से एक पर, और उसके बाद ग्रेवी के लिए डाल देंगे पानी। ताकि अच्छी तरह से वेजिटेबल्स में जो है मसाला पहले मिक्स हो जाए, उसके बाद फिर ग्रेवी डालें। वेजिटेबल्स भुन गई हैं तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कटोरी जितना पानी, क्योंकि चावल के साथ खाना है तो हल्का सा ग्रेवी तो इसको चाहिए ही चाहिए। और इसको 1-2 अच्छे से बॉईल देंगे, ढककर पकाएंगे और फिर गैस बंद करके आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। गर्मा गर्म मसालों की खुशबुओं से भरपूर वेजिटेबल कोल्हापुरी बनकर रेडी है। इसको हम गार्निश कर देंगे थोड़े से धनिए से और थोड़े से कोकोनट से। चावल के साथ खाएंगे भाई, हमें तो मज़े आने वाले हैं। आप भी इसको खाएं, बनाएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर से करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल वाली घंटी दबाएं, और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो थम्स अप दिखा दें और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।